हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डोंट ब्रीथ मूवी के पार्ट टू की। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। वेल, अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए डोंट ब्रीथ मूवी के पार्ट टू की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत डोंट ब्रीथ मूवी के पार्ट वन के इंसिडेंट के 8 साल बाद से शुरू होती है। यह 11 साल की फिनिक्स नाम की लड़की को हम देख पाते हैं, जो डरकर कहीं भाग रही थी। उसके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था, जो कि ब्लाइंड मैन का कुत्ता था। फिनिक्स कुत्ते से बचकर वहां से भागने लगती है। फिनिक्स को आगे कार दिखाई देती है और कार की सीट पर एक गन पड़ी हुई थी। फिनिक्स वो गन उठाती है, पर तब तक ब्लाइंड मैन वहां आकर फिनिक्स को पकड़ लेता है। ब्लाइंड मैन फिनिक्स से कहता है कि तुम हार गई हो। दरअसल यह एक टेस्ट था। फिनिक्स जिस जगह पर रहती थी वहां सरवाइव करने के लिए यह सब सीखना जरूरी था। फिनिक्स ब्लाइंड मैन से कहती है कि मैंने आज पहले से अच्छा काम किया है, पर ब्लाइंड मैन फिनिक्स से कहता है कि तुम्हें हर टेस्ट पास करना होगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब वो दोनों घर चले जाते। ब्लाइंड मैन का नाम नॉर्मन था और फिनिक्स उसी की बेटी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिनिक्स नॉर्मन के बाल काट रही थी। फिनिक्स नॉर्मन से पूछती है कि मेरे बाल आपके जैसे या फिर मेरी मॉम जैसे। तो नॉर्मन कहता है कि तुम्हारे बाल तुम्हारी मॉम के जैसे हैं। फिनिक्स अपनी मॉम के बारे में पूछ रही थी तो नॉर्मन कहता है कि हमारा एक गर्ल था जहां आग लग गई थी और उस हादसे में तुम्हारी मॉम मर गई। इसके बाद फिनिक्स वहां से शहर जाने की जिद करती है, क्योंकि उनका घर शहर से काफी दूर था और वो लोग अकेले रहते थे। तो फिनिक्स घूमने के लिए शहर जाना चाहती थी, पर नॉर्मन फिनिक्स से कहता है कि पहले तुम्हें सारे टेस्ट पास करने होंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम अमांडा नाम की लड़की को देखते हैं। वो आर्मी में हुआ करती थी और सिर्फ अमांडा ही नॉर्मन और फिनिक्स के लिए एकमात्र कनेक्शन थी। वो शहर से नॉर्मन के लिए हर जरूरत का सामान पहुंचाती थी। अमांडा फिनिक्स को घुमाने के लिए शहर ले जाना चाहती थी, पर नॉर्मन उसे साफ मना कर देता है। पर अमांडा की रिक्वेस्ट पर नॉर्मन आखिर में मान जाता है और वो फिनिक्स को शहर जाने की परमिशन देता है। पर नॉर्मन अपने डॉग को भी उनके साथ भेजता है। अमांडा फिनिक्स को साथ लेकर शहर की ओर निकलती है। रास्ते में फिनिक्स एक गाना गा रही थी। वो अमांडा से कहती है कि जब मैं 5 साल की थी तब मेरी मॉम मेरे लिए यह गाना गाती थी और मुझे यह गाना थोड़ा बहुत याद है। फिनिक्स अपनी मॉम की ग्रेव के पास आती है। वो अपने पुराने घर पर भी आती है जो कि जल चुका था। फिनिक्स वहां जाकर फ्लावर्स रखती है और वही गाना गाने लगती है, लेकिन वहां फिनिक्स को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है तो वो डर के मारे वहां से चली जाती है। अब फिनिक्स पार्क में आती है। वहां वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। वो सारे बच्चे कन्वेंस शेल्टर नाम की स्कूल में पढ़ते थे और फिनिक्स भी चाहती थी कि वो भी उन बच्चों के साथ वहां पर पढ़े। अब घर वापस जाने से पहले फिनिक्स वॉशरूम आती है। वहां पर एक आदमी उसे मिलता है और वो फिनिक्स से बात करने की कोशिश करता है। फिनिक्स उस आदमी की बातें इग्नोर करके वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर वो आदमी फिनिक्स का रास्ता रोक लेता है। वहां पर नॉर्मन का कुत्ता भी आता है। फिनिक्स उस आदमी से कहती है कि मुझे जाने दो, वरना मेरा कुत्ता तुम पर अटैक करेगा। तब वो आदमी रास्ते से हट जाता है। फिनिक्स भी अपने कुत्ते के साथ वहां से चली जाती है। अमांडा भी उस आदमी को देख रही थी जिसने फिनिक्स का रास्ता रोका था। उस आदमी का नाम जेसन था। अमांडा फिनिक्स को लेकर वहां से निकलती है। उनके जाने के बाद एक कार जेसन के पास आकर रुकती है। वहां से जेसन भी कार लेकर अमांडा और फिनिक्स का पीछा करने लगता है। अब कुछ देर बाद अमांडा और फिनिक्स वापस नॉर्मन के घर आ जाते। उस वक्त नॉर्मन लकड़ियां काट रहा था। अमांडा नॉर्मन से कहती है कि आज फिनिक्स को बहुत अच्छा लगा और हम नेक्स्ट वीक भी एक साथ शहर में घूमने जाएंगे। यह सुनकर नॉर्मन अमांडा को मना कर देता है। तब फिनिक्स नाराज होकर घर में चली जाती है। अमांडा भी नॉर्मन से कहती है कि तुमने बहुत बुरे काम किए हैं, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम फिनिक्स की अच्छी परवरिश करो। नॉर्मन अपने रूम में आता है जहां वो अपना सामान रखता है। उस रूम में एक बड़ा बॉक्स भी था। दूसरी तरफ अमांडा भी अपने घर की ओर जा रही थी, पर उसे रास्ते में एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है। अमांडा उस कार के करीब जाकर देखती है तो वहां पर जेसन था। वो अमांडा से पूछता है कि क्या तुम पहले आर्मी में थी, क्योंकि मैं भी आर्मी में था। अब अमांडा जेसन का इरादा समझ गई थी तो वो जेसन को गन दिखाती है और कार रास्ते से हटाने के लिए कहती है। जेसन अमांडा की बात मान लेता है। उसके पास भी एक कुत्ता था। अब अमांडा
भी अपनी कार स्टार्ट कर दिए और गन साइड में रख दिए और जेसन की कार रास्ते से हटने के बाद वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। पर कार में एक आदमी था जो अमांडा पर हमला करता है। वही दूसरा आदमी भी वहां आकर अमांडा पर हथौड़ी से वार करता है और उसे बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ नॉर्मन फिनिक्स के पास आता है। फिनिक्स स्कूल जाना चाहती थी पर नॉर्मन उसे मना कर देता है। नॉर्मन फिनिक्स से कहता है कि बाहर ज्यादा खतरा है और मैंने ऑलरेडी एक बेटी खो दी है और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इतना कहकर नॉर्मन फिनिक्स को खाना देकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मन का कुत्ता घर के बाहर घूम रहा था। वहां पर शायद कोई था। कुछ देर बाद नॉर्मन के घर के बाहर कुछ लोग दिखाई देते। नॉर्मन भी घर में अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था। वो देखता है कि उसके कुत्ते ने खाना नहीं खाया था। नॉर्मन घर में एक जगह खड़ा था। तभी हम देखते हैं कि घर में दो लोग घुस गए थे। नॉर्मन वहां से चला जाता है और वो लोग भी दूसरे फ्लोर पर जाने लगते। वो लोग जेसन के आदमी थे और वो लोग फिनिक्स के रूम में आकर लाइट ऑन करते। तब फिनिक्स बेड के पीछे जाती है क्योंकि नॉर्मन ब्लाइंड था, सो यह लाइट ऑन किसी और ने ही की होगी। अब वो लोग रूम की तलाशी लेना शुरू करते पर फिनिक्स दूसरी जगह पर छिप गई थी। अब कुछ देर तक रूम की तलाशी लेने के बाद जेसन के आदमी वहां से चले जाते। अब फिनिक्स भी रूम से बाहर निकलकर नीचे आती है और वहीं पर छिप जाती है। दूसरी तरफ नॉर्मन गर्ल से बाहर जंगल में अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था पर उसे वहां पर अपना कुत्ता मरा हुआ मिलता है। नॉर्मन देखता है कि कुत्ते पर गांव के निशान थे। उसे कुत्ते पर गांव के निशान और खून फील होता है जिससे नॉर्मन समझ जाता है कि किसी ने उसके कुत्ते को मारा है। नॉर्मन अपने कुत्ते की डेड बॉडी से गोली निकालता है। वही फिनिक्स भी घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर एक आदमी उसे पकड़ लेता है। अब उसी वक्त नॉर्मन बाहर खिड़की से उस आदमी पर हमला करता है और उसे सख्ती से पकड़ लेता है। वो आदमी नॉर्मन पर चाकू से वार करता है। यहाँ नॉर्मन फिनिक्स को अपनी सेफ जगह पर छिप जाने के लिए कहता है। तब फिनिक्स वहां से भागते हुए नॉर्मन के रूम में चली जाती है और वहां पर वो उस बड़े बॉक्स में छिप जाती है। उस बॉक्स को बाहर से नहीं खोल सकते थे और नॉर्मन ने ही वो बॉक्स बनाया था जिससे जरूरत पड़ने पर फिनिक्स उसमें छिप सके। अब बॉक्स के पास आकर एक आदमी फिनिक्स को देख रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकता था और यहाँ पर फिनिक्स भी बेहोश हो जाती है। तरफ नॉर्मन भी अपने गांव शाप करता है। कुछ देर बाद एक लड़का नॉर्मन को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है। वो लड़का घर में इधर उधर देख रहा था पर उसी वक्त नॉर्मन अचानक से उस पर हमला करता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। वो लड़का अपने साथियों को मदद के लिए पुकारता है। आवाज सुनकर एक आदमी वहां पर आता है। वो देखता है कि उसके साथी के मुंह पर नॉर्मन ने सॉलिड ग्लू चिपका दी थी। यह देखकर वो दूसरा आदमी एक स्क्रू ड्राइवर से वह ग्लू निकालने की कोशिश करता है। वो बहुत गुस्से में था। वही उस आदमी को वहां पर नॉर्मन का नेवी सील का मेडल भी दिखाई देता है जिससे वो समझ जाता है कि नॉर्मन कोई साधारण इंसान नहीं है। अब वो दोनों आदमी नॉर्मन को खत्म करने के लिए उसे ढूंढने में लग जाते। नॉर्मन भी एक जगह पर छिपा हुआ था। वो अपने जरूरी हथियार निकालता है। दूसरी तरफ फिनिक्स को होश आ चुका था। वो देखती है कि एक आदमी उस बॉक्स में पानी डाल रहा था जिससे फिनिक्स बॉक्स से बाहर आ जाए पर फिनिक्स अब भी बॉक्स में थी। तब वो आदमी बिजली के तार को उस बॉक्स में डालता है और वो फिनिक्स से कहता है कि अगर तुम बॉक्स से बाहर नहीं निकली तो यह तार में पानी में डाल दूंगा। अब उसी वक्त एक गैस सिलेंडर उस आदमी की ओर आता है तो वो आदमी थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। उसे वहां पर नॉर्मन दिखाई देता है। नॉर्मन ब्लाइंड था इसलिए वो हर बार ऐसा करता था जिससे उसे किसी भी शख्स की मूवमेंट पता चल सके। यहां पर वो आदमी टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाने के लिए आगे बढ़ने लगता है पर नॉर्मन उसी वक्त उस आदमी पर हमला करता है। वेल यहां वो आदमी जान चुका था कि नॉर्मन देख नहीं सकता था तो वो उसकी जमकर धुलाई करता है। वही वो नॉर्मन का गला दबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बॉक्स में पानी भी बढ़ता जा रहा था और वो बिजली के तार तक पहुंचने वाला था। फिनिक्स भी बचने के लिए उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है पर बॉक्स का लॉक पानी की वजह से जाम हो चुका था। यहाँ राइट टाइम पर नॉर्मन वो बिजली के तार बॉक्स से बाहर खींच लेता है लेकिन पानी बढ़ने की वजह से फिनिक्स बेहोश हो चुकी थी। वही वो बिजली के तार गैस सिलेंडर से टच होती है जिससे वहां पर ब्लास्ट होता है। उस वक्त नॉर्मन एक टेबल के पीछे छिप जाता है।
दूसरी तरफ घर के बाहर एक कार आती है जिसमें जेसन था। वहाँ उसका डॉग और उसका एक आदमी भी था। वही नॉर्मन भी बॉक्स को नीचे गिरा देता है और उसमें से पानी बाहर निकाल लेता है। नॉर्मन उस बॉक्स को तोड़कर फिनिक्स को बाहर निकाल लेता है। लकीली फिनिक्स बच गई थी और वो होश में भी आ चुकी थी। नॉर्मन फिनिक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जेसन भी अपने आदमी के साथ घर में आता है और उसे वहाँ पर उसका आदमी दिखाई देता है जो ब्लास्ट की वजह से बुरी तरह जल चुका था। अब वो लोग नॉर्मन और फिनिक्स को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर एक रास्ता दिखाई देता है और उसी रास्ते से नॉर्मन और फिनिक्स बाहर निकल चुके थे। वो दोनों नीचे एक जगह पर छिपे हुए थे। अब जेसन भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आ चुका था। वो जानता था कि नॉर्मन और फिनिक्स जरूर यहीं पर कहीं छिपे होंगे। जेसन फिनिक्स का नाम लेकर कहता है कि तुम मेरे सामने आ जाओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और तुम्हें नॉर्मन से डरना चाहिए, वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो तुम्हारा फादर नहीं है। यह सुनकर नॉर्मन को गुस्सा आता है। वो जेसन पर हमला करता है पर जेसन नॉर्मन को नीचे गिरा देता है और उसे मारने लगता है। तब फिनिक्स वहां आकर जेसन को रोक लेती है। तब जेसन फिनिक्स के पास आता है और अपनी कैप निकालता है। यह जेसन के कुछ बाल सफेद थे और ऐसे ही बाल फिनिक्स के भी थे। जेसन फिनिक्स से कहता है कि मेरे घर पर आग लगी थी और उसका इल्जाम भी जेसन पर लगा था और इसी वजह से 8 सालों से वो जेल में था। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया गया है जहाँ पर फिनिक्स बेहोश पड़ी हुई थी। वहाँ पर नॉर्मन आता है और वो फिनिक्स को अपने साथ ले जाता है। नॉर्मन फिनिक्स को अपने घर लेकर आता है। वो जेसन के घर आग लगने की और उसके जेल जाने की खबर भी टीवी पर न्यूज में सुनता है। और फिनिक्स जब एमंडा के साथ शहर गई थी तब उस जले हुए घर में जेसन ने फिनिक्स को देख लिया था और तब से वो फिनिक्स को ढूंढ रहा था। जेसन के आदमी नॉर्मन को मारने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त नॉर्मन एक आदमी को मारकर वहां से भाग जाता है। यह जेसन और उसके आदमी नॉर्मन की ओर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, पर तब तक नॉर्मन वहां से चला गया था। अब जेसन अपने आदमियों पर गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। फिनिक्स को भी एक आदमी ले जा रहा था, पर फिनिक्स उस आदमी के पैर पर वार करती है जिससे गुस्से में आकर वो आदमी फिनिक्स को मारने की कोशिश करता है। पर उसी वक्त नॉर्मन वहां आकर उस आदमी पर हमला करता है। वो वहीं पर छिपा हुआ था। यह नॉर्मन बैक टू बैक उस आदमी के चेहरे पर वार करता है जिससे वो मारा जाता है। यह सब देखकर फिनिक्स डर के मारे चिल्लाने लगती है। तब उसकी आवाज सुनकर जेसन और उसके आदमी घर के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि नॉर्मन ने उनके आदमी को बेरहमी से मार डाला था। वही नॉर्मन और फिनिक्स भी वहां से निकल चुके थे। जेसन को भी नॉर्मन पर गुस्सा आया था तो वह अपने कुत्ते को नॉर्मन का कपड़ा स्मेल कराता है। दूसरी तरफ फिनिक्स भी नॉर्मन से नाराज थी क्योंकि नॉर्मन ने सच्चाई उससे छुपाई थी। अब उसी वक्त जेसन का कुत्ता वहां पर आ जाता है। तब नॉर्मन फिनिक्स को रूम में छिप जाने के लिए कहता है और वो वहां से भागने लगता है। वो कुत्ता भी नॉर्मन के पीछे था। अब वो कुत्ता नॉर्मन पर हमला करता है पर नॉर्मन कुत्ते को पकड़ लेता है और उसे एक जगह पर कैद कर देता है। नॉर्मन उस कुत्ते को मारना चाहता था पर वो आखिर में उसे नहीं मारता। दूसरी तरफ फिनिक्स भी घर से बाहर आ जाती है और वो जंगल की ओर आगे बढ़ने लगती है, पर वो वहां से निकल सके उससे पहले एक आदमी उसे पकड़ लेता है और वो उसे जेसन के पास लेकर आता है। फिनिक्स बेहोश थी। जेसन अपने आदमी से कहता है कि तुम फिनिक्स को कार में रख दो। अब जेसन अपनी कार से कुछ एक्सप्लोजन निकालता है और वो कुछ बॉटल्स नॉर्मन के घर पर फेंकता है जिससे घर में आग लग जाती है। आग पूरे घर में फैलने लगी थी। अब जेसन वहां से चला जाता है। नॉर्मन भी जेसन के कुत्ते को बाहर निकालता है और उसे लेकर घर से बाहर चला जाता है। नॉर्मन घायल हो चुका था, वही उसका घर भी बुरी तरह से जल रहा था। यह देखकर नॉर्मन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जेसन भी फिनिक्स को लेकर एक होटल पर रहता है, वो वहीं पर रहता था। कुछ देर बाद फिनिक्स को होश आता है। यह जेसन फिनिक्स से कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हारा असली फादर हूँ तो तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। फिनिक्स भी जेसन को अपना बर्थडे पूछती है। जेसन फिनिक्स से कहता है कि तुम अपनी मॉम जैसी ही दिख रही हो, उसका नाम जेनिफर था। जेसन फिनिक्स से कहता है कि तुम्हारा रियल नेम एना है। जेसन फिनिक्स से माफी मांगता है पर एना वहां से जाना चाहती थी तो वो वहां से निकलती है। थोड़ा आगे जाने पर एना को एक गाना सुनाई देता है और यह वही गाना था जो उसकी मॉम उसे बचपन में सुनाती थी। एना को वहां पर कोई दिखाई देता है।
जेसन भी वहाँ पर आता है और वो एना से कहता है कि यही तुम्हारी मॉम है। जेसन एना से कहता है कि नॉर्मन ने तुम्हें जो कुछ भी बताया था वो सब झूठ था। अब एना अपनी मॉम जेनिफर से मिलती है, यहाँ वो सब काफी खुश थे। जेनिफर एना से कहती है कि जब घर में आग लगी थी तब वो जल गई थी। वही वो लोग ड्रग्स बनाने का काम करते और ड्रग्स की लत की वजह से जेनिफर के ऑर्गन्स खराब होने लगे थे। ड्रग की वजह से जेनिफर का हार्ट कमजोर हो चुका था। वो एना से कहती है कि तुम मुझे बचा सकती हो। यहाँ जेनिफर को एना का हार्ट चाहिए था और किसी फैमिली मेंबर के हाथ से ही जेनिफर बच सकती थी। अब जेसन एना को जूस पिलाता है, जिसे पीते ही एना बेहोश हो जाती है। दरअसल जेसन ने जूस में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। दूसरी तरफ नॉर्मन को बाहर कोई आवाज सुनाई देती है, वो कार के किचन की आवाज थी। यह वही कार थी जिसमें जेसन के आदमी आए थे। नॉर्मन कार से कुछ हथियार निकालता है। वही नॉर्मन जेसन के कुत्ते को एक बेल्ट पहनाता है और उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। तरफ एना को होश आता है तो वो एक स्ट्रेचर पर थी और उसे बांध कर रखा गया था। और यहाँ डॉक्टर एना का हार्ट निकाल कर उसे जेनिफर की बॉडी में ट्रांसप्लांट करने वाला था। बाहर जेसन के आदमी भी मौजूद थे। यह एक आदमी कहता है कि जेसन यह सब गलत कर रहा है। यह सुनकर दूसरा आदमी कहता है कि जेसन और जेनिफर हमें ड्रग्स देते और पैसे भी देते तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। अब डॉक्टर वो सर्जरी शुरू करने वाला था पर तभी अचानक लाइट चली जाती है। तब जेसन बाहर आकर अपने आदमियों को सब चेक करने के लिए कहता है। अब एक आदमी बाहर जाकर देखता है तो किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दी थी, तो वो आदमी स्विच ऑन करता है। अब उसी वक्त नॉर्मन उस आदमी पर हमला करता है। यहाँ दोनों के बीच मुकाबला होता है और वो आदमी सबको वार्न करने के लिए वहां से भागने लगता है, पर नॉर्मन उस आदमी पर एक हथौड़ी से वार करता है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। आदमी की चीख जेसन को सुनाई देती है। वही जेसन को उसका कुत्ता भी वहां पर दिखाई देता है जिससे वो समझ जाता है कि कुत्ते के जरिए नॉर्मन यहां पर आ चुका है। जेसन गुस्से में आकर अपने कुत्ते पर गोलियां चलाने लगता है पर कुत्ता वहां से भाग जाता है। जेसन अपने आदमियों से कहता है कि तुम सब नॉर्मन को खत्म कर दो, तो जेसन के आदमी नीचे आते हैं। वो देखते हैं कि नॉर्मन वहां पर पानी में पड़ा हुआ था। यहां तीन लोग नॉर्मन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब पानी में चलने की आवाज से नॉर्मन को उन तीनों आदमियों की लोकेशन चल जाती है, तो नॉर्मन गोलियां चलाकर उन तीनों लोगों को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर एक आदमी बच गया था। वो नॉर्मन से कहता है कि जेसन उस छोटी लड़की को मार देगा। वो आदमी नॉर्मन से कहता है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे पीछे है, तो नॉर्मन उस और आगे बढ़ने लगता है। वही ऊपर जेनिफर एना को लेकर जा रही थी, जेसन भी वही पर था। जेसन आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है जिसे वो समझ जाता है कि नॉर्मन यहां पर आ चुका है। अब वहां पर अचानक धुआं फैलने लगता है और यहां पर जेसन को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब नॉर्मन वहां पर आता है और वो जेसन पर हमला करता है। जेसन किसी तरह वहां से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि नॉर्मन ने जेनिफर को मार डाला था जिससे उसे गुस्सा आता है और वो नॉर्मन पर हमला करता है, पर नॉर्मन जेसन को दबोच लेता है और उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। नॉर्मन जेसन से कहता कि अब तुम चाहो तो मुझसे मुकाबला कर सकते हो। अब एना भी नॉर्मन के पास आती है। तब नॉर्मन एना को वहां से चले जाने के लिए कहता है। वो एना से कहता है कि जेसन ने तुम्हें जो कुछ भी कहा था वो सच था। मैं तुम्हारा फादर नहीं हूं और मैं एक बुरा इंसान हूं। मैंने बहुत गलत काम किए हैं, इसीलिए वो अब एना को अपने साथ नहीं रख सकता, तो वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तब एना वहां से चली जाती है। अब नॉर्मन वहां पर खड़ा था तभी जेसन उस पर हमला करता है और वो एक चाकू से नॉर्मन का गला काटने ही वाला था। उसी वक्त एक चाकू जेसन के दिल के आरपार हो जाता है। वेल यहाँ एना ने जेसन को मार दिया था। एना देखती है कि उसके रियल मॉम डैड मर चुके थे। अब एना नॉर्मन के पास आती है। नॉर्मन बुरी तरह से घायल हो चुका था पर एना नॉर्मन से कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। नॉर्मन भी एना से कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया है। वेल यहाँ नॉर्मन भी घायल होने की वजह से मारा जाता है। नॉर्मन की मौत से एना भी दुखी थी, वो रोने लगती है। अब कुछ देर बाद एना वहां से निकलती है और वहां से वो एक अनाथ आश्रम में आती है। वो वहां पर बच्चों से बात करती है। एना उन्हें कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ यहां पर रहना चाहती हूँ। वो बच्चे एना को उसका नाम पूछते हैं। तब एना कहती है कि मेरा नाम फिनिक्स है। और बस यही पर डोंट ब्रीथ मूवी का पार्ट 2 खत्म हो जाता है।
ईयर 2021 में रिलीज हुई डोंट ब्रीथ मूवी के पार्ट 2 को आईएमडीबी पर 6.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वहीं रोटन टोमेटो पर इसे 41% एंड ऑडियंस स्कोर 85% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।